बहुत अगर अराजकता की परिस्थिति भी है, इनके लिए भी भैया नियम बने हुए हैं। बहुत अराजकता की स्थिति है, लाठी चार्ज ये लोग करते हैं, कितने लोगों के सर फोड़ते हैं, कंधे टूटते हैं लाठी चार्ज में भी, कमर से नीचे लाठी चलाने के लिए। गोली चलाएंगे आप तो पैर पे आपको गोली चलानी है, अगर बहुत अराजक कोई अगर परिस्थिति उत्पन्न होगी। और उस दिन कौन सी ऐसी अराजक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी? और माहौल शांत होने के बाद सोनू गया था वहाँ, जहाँ गिनती के लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, हालात सामान्य हो चुके थे, उसके बाद आप चुन चुन कर आप गोली चला रहे हो और सीधा आप कपार में आप गोली मार रहे हैं। ये है बिहार में आपकी कानून व्यवस्था। इसको आप बोलेंगे कि भैया आप जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा जहाँ पे आम निर्दोषों के ऊपर आप इस तरीके से गोली चला रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी मांग करती है नीतीश कुमार जी से कि भैया जो गया व्यक्ति उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम पीड़ित परिवार को न्याय तो दिलाएं। चिन्हित करें उन लोगों को, सीसीटीवी फुटेजेस आप रिकवर करें, लोगों के बयान लें, और सबसे पहले तो डराना धमकाना बंद करें स्थानीय प्रशासन। ये लिखित रूप में मैं मुख्यमंत्री जी से शिकायत करूंगा और स्थानीय एसपी महोदय से भी मैं मांग करता हूँ कि आपके प्रशासन के लोग जो परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, अगर परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई आंच आई इसके बाद, तो उसका सीधा जिम्मेदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन होगा। और एक एक आदमी का नाम लिखकर मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी मैं दूंगा, क्योंकि तो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, और साथ ही में मैं केंद्र सरकार केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी लिखित रूप में हम लोग मांग करेंगे कि इस घटना की उस स्तरीय जाँच कराएं, संभव हो तो CBI से जाँच करवाई जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये मांग करते हैं कि CBI जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें, क्योंकि भैया प्रशासन पे भरोसा नहीं है, इनको अपने ही लोगों पे कार्रवाई करनी है। सर, कैसे निष्पक्ष ये कार्रवाई करेंगे? हम समाप्त कर लें, बस एक मिनट। कैसे ये लोग निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे? इनको अपने गिरेबान में ही इनको कार्रवाई करनी है, अपने ही लोगों के ऊपर इनको कार्रवाई करनी है, तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जाँच होगी? इसीलिए ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी CBI जांच की सिफारिश करें। केंद्र सरकार से भी मैं यह आग्रह करूंगा कि स्वतः इसकी जांच करवाएं, उस तरीके इस पे जांच हो, और जितने भी दोषी अधिकारी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए। घर का कमाने खाने वाला व्यक्ति जो आने वाले समय में इस परिवार के बुढ़ापे का सहारा बनता, वो परिवार का सदस्य गया, उचित मुआवजा परिवार को मिले। भाई कोई झांकने तक नहीं आया यहाँ पे, ये जिम्मेदारी है स्थानीय प्रशासन के लोगों की। कहाँ है भैया DM SP यहाँ के? क्यों नहीं आते वो परिवार के लोगों से मिलने? ये उंगली उन्हीं के ही प्रशासन के लोगों के ऊपर उठ रही है, तो क्यों मौन है यहाँ के लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग क्यों खामोश है भैया? किस बात का डर है उन लोगों को आने से? और उन लोगों के नाम लिखित रूप में जाएंगे, और अगर राज्य सरकार अगर इस पे नहीं जागी तो केंद्र सरकार से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि इसकी जांच हो। इसके अलावा आप लोग के कोई सवाल हो तो सर, यहाँ पे जो प्रशासन ने जो फुटेज जारी किया है, यहाँ पे वीडियो जो जारी किया है, उस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पल्ला झाड़ रही है भाई प्रशासन, स्वाभाविक है। हम लोग CBI जाँच की बात कर रहे हैं भैया, प्रशासन तो सिलेक्टिव फुटेज रिलीज करेगी ना, ऐसे फुटेजेस ये लोग रिलीज करेंगे जहाँ पे अपने आप को ये लोग निर्दोष बता सके। कैसे ये लोग बताएंगे कि भैया हम लोग दोषी हैं? पर गोली तो चली ना, और गोली लगी किस नियम के तहत, ये गोली चलाई गई कैसे, आपने एक निर्दोष की आपने जान ले ली, जो व्यक्ति जो आंदोलन में था भी नहीं उसकी आपने जान ले ली, तो किसी ने तो उसकी हत्या की है ना, तो उसको चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, कौन चिन्हित करेगा? इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। तो फुटेजेस निकाल के, सेलेक्टिव फुटेजेस दिखा के अगर प्रशासन सोच रहा है कि वो अपना पल्ला झाड़ लेगा, अपनी जिम्मेदारी से वो उसको दूर कर देगा, तो ये होने नहीं वाला। जवाबदेही इसी प्रशासन सर, दस दिन हो गए सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साझा नहीं की गई है, क्या आगे कदम उठा रही है? भाई सबसे पहले तो इसमें पूरे प्रदेश की जनता को एकजुट होना, और जो एकजुट हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभलता नहीं है। बेटा ऊपर से ऊपर भी ईटा फेंकने लगा, पक्का कहाँ छिपेंगे, वो ईटा पर बरसता कहीं सीलिंग में लग जाएंगे।
मोबाइल में फोन आया, मेरा मोबाइल का स्पीकर ऑन था, सुनूंगा उठे सुन बस भी हम लोग बोले लगा हम ईटा पत्थर मार रहा है तो दोनों भाई यहाँ से निकल गए तो निकल गया तो वहाँ लोग उनके पास गाड़ी खड़ा करके टू व्हीलर और उसके बाद रुटीन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ गया देख रहा था और उसके बाद दोनों जो है उसका कोई दोस्त बुला लिया वो नाश्ता कर रहा था बोला कि आओ सुनो नाश्ता तब कर दिया तो उसके पास नाश्ता किया सर जी नाश्ता किया और उसके बाद वो धीरे धीरे अंदर चल गया लिया अब तो शांत हो गया घर पे भैया को निकाल के लिया बाकी वो जो गया फोलो चौक से आगे बढ़ गया एयरपोर्ट के पास जैसे गोली चालू गोली फायरिंग होने लगा तो काफ़ी फायरिंग होने लगा आगे तो फिर वापस गया अल्लाह ने उनको नहीं सर वो यहीं पर खड़ा था उचित लोग के पास जब शांत हो गया तब से वो गया था और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं था 8-10 तो आदमी था तो लाने दिया गोली चला जितना के आदमी दो ही है 10-15 आदमी ही है वो ऑपोजिट साइड में सर वो गेट के पास जीत में खड़ा रह गया कि आदमी ये फिर जाएगा बोल दिया कुछ उसी के दरमियान सर किसका गोली लगा आगे तो पुलिस का ही हो रहा था सर इसी का कोई पब्लिक गोली वाली नहीं कर रहा था मेरा गोली लगने से मेरा दोस्त निर्दोष कुछ छे बंद हो गया हंगामा कर रहा था मतलब जो उसने ये शरीर भी नहीं था नहीं था सर नाने के लिए बड़ा उसके बाद जब भीड़ हटा तो मेरा बड़ा लगता है वो देखा कि वीडियो ऑफिस से निकला पुलिस के पास एक आदमी गिरा हुआ है गोली लगा फिर दूसरा लड़का बोला कि आपका भाई को भी गोली लगा तब फिर वो जाके वहाँ से 50 मीटर का दूरी में ऐसे गोली गिरा हुआ जब उठाया उसको उठा के अपने हाथ से फिर उदित को बुलाया उदित आया छोटा लड़का मेरा दोनों पकड़ के हॉस्पिटल ले गया तो वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ सर खाली जहाँ घायल हुआ था और अमीर लगा के अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700 धन्यवाद।